नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर और निरक्ष पर ज्ञात कर चुके हैं। अब अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने जो पिछले लेक्चर में की थी वह अलग अलग दो पार्ट में है। जैसे अक्षीय रेखा पर उसका कैलकुलेशन अलग किया, निरक्षीय रेखा पर उसका कैलकुलेशन हमने अलग किया, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन किया। ध्रुवीय निर्देशांक लें तो अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही साथ कैलकुलेट की जा सकती है। तो सब ये एक विशेष चीज है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें एक ही चित्र में या एक ही चित्र के द्वारा अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना एक साथ कर रहे हैं। यह सत्य है कि वह कर चुकने के बाद जो पिछले लेक्चर में किया के बाद ही यह इजी लगता है या यह पॉसिबल हो पाता है। तो बड़ा ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग है, ठीक है सर। यह सब द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको अपन ए बी नाम दे देते। ये मिडल वाला पॉइंट है, ये अक्ष आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा को हम अक्षीय रेखा कहते हैं या अक्ष कहते हैं, क्लियर। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है सर। ये तो सब आपका मूल द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव। अब आपका मोटिव, आपको आर दूरी पर व अक्ष से थीटा कोण पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यह आपका मोटिव हो गया, क्लियर। अब देखना क्या टेक्निकल तरीका है और क्या शानदार है, है ना। बड़े तरीके से देख, हम बिंदु पी पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए इस द्विध्रुव के दो घटक लेते हैं और दो आभासी द्विध्रुव तैयार करते हैं। देखो सर, द्विध्रुव आघूर्ण पी का एक घटक ये रहा, ये घटक हुआ पी कॉस थीटा। इसका मतलब एक आभासी द्विध्रुव आपको इस तरह से देखना चाहिए, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। ये आप एक द्विध्रुव देखिए जो अपन ने मूल द्विध्रुव के घटक से तैयार किया है, क्लियर। इसका दूसरा घटक ये देखो, ये दूसरा घटक इसका द्विध्रुव आघूर्ण है पी साइन थीटा। इसको अदर यानी अन्य आभासी घटक से देखिए। तो सब एक द्विध्रुव से हमने या एक मूल द्विध्रुव से हमने दो द्विध्रुव तैयार किए, क्लियर सर। एक द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है पी कोस थीटा और दूसरे द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है पी साइन थीटा, क्लियर होगी बात, है ना। एक मिनट, पेन चेंज करना चाहता था मैं, क्लियर। अब ये और ये मूल द्विध्रुव के प्रतिबिंब या मूल द्विध्रुव से निर्मित दो द्विध्रुव हैं जिन्हें अपन क्या माने, आभासी द्विध्रुव, या जिन्हें हम क्या कहेंगे, आभासी द्विध्रुव। इसमें से एक द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण पी कोस थीटा और दूसरे द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण पी साइन थीटा है, क्लियर होगी बात, है ना। अब ध्यान से समझो, पहले वह द्विध्रुव उठाओ जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कौन है, पी कोस थीटा, क्लियर। इस द्विध्रुव के कारण या इस द्विध्रुव के लिए ओपी अक्ष का काम कर रही है। कौन से वाले द्विध्रुव के लिए, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी कोस थीटा, ये अक्ष का काम कर रही है। हम जानते हैं इस पी कोस थीटा द्विध्रुव आघूर्ण के कारण इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश होती है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र अपन मान लेते हैं
E1. क्लियर सर? अब आ जाओ दीदू पी साइन थीटा, या वह दीदू जिसका दीदू आवगुण कितना है पी साइन थीटा। क्लियर सर? अब इस वाले दीदू की बात करते हैं, उसको देखना ही छोड़ दो। इसके लिए अगर आप देखें तो ओपी किसका कार्य कर रही है, निरक्ष का कार्य कर रही है। इसके लिए उसके लिए तो अक्ष का कार्य कर रही है, जबकि इसके लिए किसका कार्य कर रही है, निरक्ष का कार्य कर रही है। ओपी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी साइन थीटा के कारण मैंने मान ली E2। अब इसकी अक्ष कौन सी हुई, ये हुई निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष के विरुद्ध। ये देखो अक्ष के विरुद्ध, इसको क्या बोल दूं मैं E2 है ना, ये इसकी अक्ष रही, ये इसकी अक्ष है ना, और इसके विरुद्ध, तो देखो इसके विरुद्ध है उसके ठीक। अब थोड़ा बहुत चित्र में अपन जानते हैं, हो सकता दोनों 90 डिग्री पर है, उसमें कोई दो राय नहीं। पी कोस थीटा वाले दीदू के लिए किसका काम कर रही है, ओपी अक्ष का काम कर रही है। इस वाले के लिए ओपी अक्ष का काम करती है, ठीक है। तो सर E1 अपन ने इससे निकाली, ठीक है सर। तो E1 है ना, डायरेक्शन अभी अलग से रखेंगे, ठीक है। E1 इसके कारण है, तो 1/4πε0 की जगह लिख देता हूं 2kp के लिख देते हैं। ये दीदु आवगुण कौन सा है, पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। ये सब इस वाले घटक के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दीदु की अक्ष। अब जिसका दीदु आवगुण पी साइन थीटा है, भाई ये तो रहा ही नहीं, इससे तो आपने आभासी दीदू जनरेट कर लिए, एक वो और एक ही। अब दूसरा दीदू जिसका दीदू आवगुण पी साइन थीटा है, उसके लिए ओपी किसका कार्य करा, निरक्ष है ना। तो सर ये तो मैंने निकाली अक्ष पर, पीछे लिख देता हूं मैं यहां पर भी अक्ष। अब E2 केपी, पी कौन से क्या लिखना पड़ेगा यहां, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू। इस पी साइन थीटा के लिए ओपी किसका कार्य कर रहा, निरक्ष का, और पी कोस थीटा के लिए ओपी किसका कार्य कर रहा, अक्ष का। ये दोनों निकल गई सब, क्योंकि पेन चेंज कर लो, पेन फीका चल रहा थोड़ा है ना। अब देखो ध्यान से देखना, क्योंकि E1 परपेंडिकुलर E2 है ना, डायरेक्शन लगाना कोई जरूरी नहीं था, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र, अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, जब दो सदिश परस्पर लंबवत हों तो उनका परिणामी प्रत्येक के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर। E1 का मान है इससे आपका, E2 का मान है इससे, E1 और E2 का मान रखें, यानी E=E1²। ये रहा मान, ये रख दिया सब 2kp cos θ / r³ का होल स्क्वायर, E2 का स्क्वायर ये रख दिया सब अपन ने kp साइन थीटा अपॉन R³ का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब KP अपॉन R³ तो रूट से बाहर आ जाएगा, कॉमन आ रहा है, ये सब मैंने निकाल लिया KP अपॉन R³, ये तो रूट से बाहर निकाल लिया। अब क्या बचता है सर रूट के अंदर, यहां तो बचता 2 × 4 कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर, यहां बचता है ओनली साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फाइनल केपी
अपॉन आर क्यूब, ठीक है। फोर कोस स्क्वायर थीटा में से एक निकाल लो तो थ्री कोस स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझना मेरी बात को, एक निकाल लिया थ्री कोस स्क्वायर साइन थीटा प्लस, इससे एक जो निकाला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा वन। ये सब ध्रुवीय निर्देशांक को लेते हुए बिंदु P पर या प्रेक्षण बिंदु पर दिदु या यू कहते विद्युत क्षेत्र की गणना है ना। यहां लिख भी देता हूं मैं टॉपिक ध्रुवीय निर्देशांक द्वारा दिदु के कारण विद्युत क्षेत्र। तो साहब ये भी एक तरीका है जिससे आप डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हो। अब देखो है ना, अक्ष के लिए अगर बात करें साहब, अक्ष के लिए थीटा बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो साहब थीटा बराबर जीरो इक्वेशन तीन में रखिए बाई थ्री, तीन में रखें साहब। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना आता है देखते हैं। देखा ये तो kp अपॉन r क्यूब तो बाहर है इससे। अब थीटा बराबर जीरो तो cos जीरो बराबर वन, तो यहां हो गया वन, तो इसका मतलब थ्री प्लस वन, cos स्क्वायर थीटा का मान तो वन लिख दोगे, तो थ्री प्लस वन यानी फोर, फोर का रूट टू, ये आ गया टू kp अपॉन r। अगर बात करें निरक्ष के लिए, ठीक है, निरक्ष के लिए बात करें तो थीटा इज इक्वल टू कितना लिखें 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 तो कोस 90 इज इक्वल टू जीरो बाई थ्री, थ्री में दिखाएं अपन ई निरक्ष बाहर केपी अपॉन आर क्यूब, अंदर देख कोस 90 जीरो, तो ये पद तो हो गया जीरो, ओनली बचा वन, रूट वन इज इक्वल टू वन। तो देखो एक ही डेरिवेशन से अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। बस लास्ट में एक बार और समझाता हूं, ये मूल दिदु है, इसका घटक लेकर दो आभासी दिदु तैयार करो। इस आभासी दिदु का दिदु आगुण P cos थीटा है, इस आभासी दिदु का दिदु आगुण P sin थीटा है। इसके लिए OP अक्ष का कार्य करती है, अक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष की दिशा में, जबकि जिसका दिदु आगुण P sin थीटा है उसके लिए OP निरक्ष का कार्य करती है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष के विपरीत, यानी ये चले ये सब अक्ष पर 2kp अपॉन r क्यूब लिखते थे आप। अब जिसका दिदु आगुण या जिसके कारण निकाल रहे उसका दिदु आगुण कितना है p cos थीटा, तो 2kp के बजाय आपने क्या लिख दिया 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। इसके लिए वो निरक्ष है तो आप लिखते थे kp अपॉन r क्यूब, लेकिन जिसके कारण निकाल रहे उसका दिदु आगुण kp ना होकर p sin थीटा, तो देखो kp sin थीटा अपॉन r क्यूब, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दिख रहा है सामने आपको E1 और E2 दोनों परपेंडिकुलर हैं। अभी डायरेक्शन में निकाल देता हूं, ये समांतर चतुर्भुज के नियम से डायरेक्शन में निकाल देंगे, है ना। ये E1 दिखाई रखा है और ये E2, ठीक है, तो डायरेक्शन में भी दिखा, दोनों परपेंडिकुलर है तो परिणामी निकाल देंगे आपके सामने। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किससे निकाल दें, E1 से, ठीक है सर। तो मैं पेज पलटता हूं फिर वापस ले आऊं, है ना। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 से है ना, E1 और E2 के बीच कोण 90 डिग्री है ना सर,
तो सर टेन अल्फा ई टू अपॉन ए वन है, ठीक है सर, ये ए वन के सापेक्ष निकाल रहा। अब वैल्यू रखो सर, टेन अल्फा ई टू की वैल्यू क्या है सर, केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, ये दिखा भी देता हूं आपको, ये देखो ई वन की वैल्यू, ये ई टू की सॉरी, केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, और ई वन की वैल्यू क्या है, टू केपी कोस थीटा अपॉन आर क्यू, है ना, पी केपी केपी से केपी कट गया, आर क्यूब कट गया, यानी टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो हो गया टेन थीटा अपॉन टू। अब साहब आप दिशा निकालना चाहते हैं, दिशा इससे निकाल लें, है ना, अल्फा इससे आ जाएगी, थीटा रख दीजिए आप, है ना, तो कहने का मतलब आप दिशा निकालना चाहते हैं तो ये पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन सिंगल डेरिवेशन जो अपन लास्ट लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में किया था, तो अक्षीय रेखा पर अलग निरक्ष पर अलग पूछ में मतलब कर रखा था, यहाँ पे दोनों साथ निकल दे, ठीक है बेटा। अब चले आगे, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब आप कैलकुलेट करते हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसका रीजन है वेक्टर, आपका वेक्टर इतना साउंड नहीं है, वेक्टर इतना साउंड नहीं होने के कारण आपको थोड़ी बहुत समस्या आती है। तो एक न्यूमेरिकल में लेता हूं जिसमें आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना भी आ जाएगा, द्विध्रुव के कारण भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, कॉमन एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उस कॉमन न्यूमेरिकल को आप एज ए टॉपिक समझिए कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करनी है, अक्ष पर कैसे ज्ञात करनी है वो भी बता देगा, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी रिपीटेशन हो जाएगा, है ना, जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, के आवेश का परिमाण बटा आवेश से बिंदु की दूरी। तो क्या सिचुएशन है सर, अब एक न्यूमेरिकल से सीखें, है ना सर, तो न्यूमेरिकल बीच बीच में डालते रहेंगे जहां टॉपिक अपने को लेना है। ये सब अपन ने 10 की पावर माइनस 8 व 10 की पावर प्लस 8 ये दो आवेश लिए, है ना, एक 10 की पावर माइनस 8 है, एक 10 की पावर प्लस 8 है, सॉरी दोनों आवेश 10 की पावर माइनस 8 है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो सर ये Q1 और Q2 है ना, ये Q1 और ये Q2 है ना, वैल्यू में लिख दूंगा, Q1 की वैल्यू माइनस 10 की पावर माइनस 8 है ना, माइनस है सब, ये थोड़ा डबल डबल बार आ गया था, और Q2 की वैल्यू प्लस 10 की पावर माइनस 8 कूलम है ना, तो ये तो आप समझ गए कि द्विध्रुव जनरेट हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है, चार्ज बताई दी मैंने, यहाँ पे मैं ए बी लिख दूं, है ना, या ए बी ने लिख के पी क्यू लिख दूं, क्योंकि इस सवाल में मुझे कुछ तीन चार चीजें ज्ञात करवानी है ना, तो मैं भी सेट करता हूं सर, तो यहां लिख देते हैं अपन पी क्यू, ठीक है सर, पी क्यू लिख देते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी है 0.1 मीटर, इसका मतलब जो इनका सेंटर है, सेंटर को मैं ये बोल देता हूं, वह इससे 0.05 मीटर और उससे भी 0.05 मीटर दूर है, आराम से समझना साहब, अच्छा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कम टॉपिक है, इससे ज्यादा कंसंट्रेट होके समझा रहा हूं मैं, है ना। तो साहब ये दोनों के बीच की दूरी इसने 0.1 मीटर दिए, जिसको मैंने तोड़ दिया, है ना। अभी अपने को तीन पॉइंट देता है, देखो कहां कहां पॉइंट दे रहा है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आप समझ जाओगे कि आपका टॉपिक कवर हो रहा है। ये सी ले लेता हूं मैं, है ना, एक बिंदु यहां ले लिया मैंने, इस बिंदु की दूरी 0.05 मीटर है, है ना, सी की इससे दूरी 0.1 मीटर है
और इससे भी दूरी 0.1 मीटर है। तो पहले आप चित्र को अच्छी तरह देख लें, बिंदुओं को अच्छी तरह देख लें, है ना। दोनों आवेश लिख ही दिए मैंने, Q1 का मान 10^-8 नेगेटिव, Q2 का मान 10^-8 पॉजिटिव, जो आपके सामने सिचुएटेड रख रखे हैं। दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर और P से C की दूरी भी 0.1 मीटर और Q से C की दूरी भी 0.1 मीटर। क्लियर होगी बात, है ना। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा है कि आप है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें ए पर, बी पर और सी पर। तो सवाल का सवाल, आपका पिछला टॉपिक भी कंप्लीट और एक इंटरेस्टिंग, जैसे एक बड़ा सवाल होता है तो कई सारे छोटे सवालों को सिखाने का काम करता है। अब बारी बारी से अपन एक एक का यूज करते हैं, है ना। मैं आपको प्लस वन का यूज करना भी दिखाता हूं। सबसे पहले ए के लिए, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये न्यूमेरिकल कम टॉपिक होते हैं और बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग होते हैं ना। देखिए, ए पर विद्युत क्षेत्र Q1 के कारण, Q2 के कारण, क्लियर। अब Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र को तो अपन बोल देंगे ईपी और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र को बोल देंगे EQ। स्वाभाविक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि है तो उसकी दिशा बताना जरूरी है, है ना। दिशा जानने के लिए मैंने आपसे कहा था जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं वहां पर क्या रख दिया करना, प्लस वन रख देना, रख दिए सर। अब देखो Q1 क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव प्लस वन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये पी के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दी तीर से। Q2 क्या है, पॉजिटिव, यहीं पे लिख देता हूं मैं नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, ये रिपल करेगा, जिधर बल की दिशा उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दी। तो मैंने आपको प्लस वन का इंपोर्टेंस बताया था कि हमें जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जाननी हो वहां पर हमें प्लस वन रख देना चाहिए। प्लस वन रख देने के बाद उस पर बल देख लेना चाहिए, जिधर बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। क्लियर सर, है ना। तो सर अब ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, है ना, तो सर बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं उसी हिसाब से कर रहा हूं, किस किस के कारण विद्युत क्षेत्र, पी के कारण विद्युत क्षेत्र और क्यू के कारण विद्युत, आवेश पी पे रखा और क्यू पर रखा, तो बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र किस किस के विद्युत क्षेत्र का सदिश योग के बराबर होगा, पी के कारण विद्युत क्षेत्र और क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के। ये आपको कूलाम के नियम के समय अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया था वो यहां भी लागू, बिंदु आवेश या अनेक आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है ना। तो वही चीज यहां पर, डायरेक्शन अब आप डिसाइड कर लो, जैसे मान लो इसको अपन आर के मान ले क्योंकि डायरेक्शन तो दिखा नहीं पड़ेगी। अब यहां पर भी एक बात ध्यान रखे, अब वेक्टर में थोड़ा सा आपको डर लगता है, डरते हो आप, है ना। आर के कहीं भी डिसाइड कर लो, आप इधर डिसाइड कर लो या उधर डिसाइड कर लो, इसको आर केप न के के पी केप के दो, जेड केप के दो, ए केप के दो, उससे कोई लेना देना नहीं। केप कह रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो एक ही है, वो तो केवल आपकी दिशा दिखा देगा। क्लियर, तो सब अब आ जाइए, है ना, निकालो सब, ए के कारण विद्युत क्षेत्र या ए पर विद्युत क्षेत्र, पहले किसके कारण बताओगे, पी के कारण, दिशा तो देख ही ली, पी के कारण विद्युत क्षेत्र बोलो के आवेश का परिमाण, मुझे प्लस माइनस से मतलब ही नहीं, आवेश का परिमाण लिखना है ना, तथा आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग, आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है, 0.05 का वर्ग, दिशा किधर है इसकी,
अगेंस्ट टू आर के, ये अगेंस्ट टू आर के। अब आ जाओ सर क्यू के कारण, क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, तो के क्यू पर आवेश जो भी उसका परिमाण, मेरे को यहां भी प्लस से लिखना है वहां भी प्लस लिखना है, तथा आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग, ये दूरी भी कितनी है 0.05 का स्क्वायर, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो माइनस आर के। ठीक है सर, अब मैं खटाखट सोल्व कर देता हूं, के क्यू बाहर आ गया, के की वैल्यू तो कितनी 9 × 10⁻¹, क्यू वन भी 10⁻¹ है, क्यू टू भी 10⁻¹ है, ये माइनस से वो प्लस है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश के परिमाण, तो आवेश का परिमाण तो दोनों में सेम ही है, तो क्यू वन को भी 10⁻¹ और क्यू टू भी 10⁻¹, तो मैंने क्यू वन और क्यू टू को सेम अज्यूम करके कह लिया 10⁻¹, है ना। अब यहां पर 0.05 यानी 5 × 10⁻², का स्क्वायर तो क्या हो गया 25 × 10⁻⁴, इसको 5 × 10⁻², लिखोगे उसका स्क्वायर कर दिया, इधर सेम यानी 25 × 10⁻⁴ का वो स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर पहले कर दिया क्योंकि 5 × 10⁻², तो 5 का स्क्वायर 25 और 10⁻², का स्क्वायर माइनस आर के, ये कॉमन ले लिया माइनस आर के। अब शॉर्ट में इसको कर देते हैं अपन, तो सर ए पर विद्युत क्षेत्र कितना हुआ सर, है ना, डायरेक्शन सही आएगा मामले, है ना, बाहर तो बचा 9 × 10⁻¹, है ना, क्योंकि ये -8 है, ये +9 है, अपॉन में कॉमन आ गया, है ना, 25 × 10⁻¹⁴ और 1 और 1 2 और डायरेक्शन माइनस आर की। अब साहब ऊपर तो 9 है, तो 9/25 इसको तुरंत कर दें, सॉरी 9 के ये 18 हो गया ना, ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है, ये 10⁻¹ हो गया क्योंकि -4 ऊपर जाएगा, डायरेक्शन माइनस आर के। ठीक है सर, इसी क्रम में कर देता हूं, इसको 180 कर देता हूं, 180 तो 7.2, 180 किया तो 1 इधर से ली 10⁻¹ × 10⁴, देख लो प्लस ही चल रही है ना, ऊपर लिया है तो प्लस ही होगी, -4 तो प्लस, ठीक है, डायरेक्शन माइनस आर के। अब आप चाहो तो माइनस आर के को ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू से पी की ओर, है ना, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि आर के पी से क्यू की ओर है, तो आपका माइनस आर के कहाँ होगा, क्यू से पी की ओर, मतलब उल्टा होगा, या आप माइनस आर के, तो देखो ऐसे एपे कैलकुलेशन करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आ जाइए सर बी के लिए, है ना, अब बी के लिए, अरे इसी पेज पे आ जाए, ऐसे अपन थोड़ा सा कंप्रेस कर देंगे उसको हल्का फुल्का, है ना। अब बी पर विद्युत क्षेत्र बिकॉज ऑफ पी बिकॉज ऑफ क्यू, डायरेक्शन जानने के लिए यहां पर क्या रखते हैं, +1 रखते हैं। अब +1 रखें, ध्यान से देखना साहब, है ना, पी के कारण, पी कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, या वही दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, तो पी के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ क्यू, क्यू पर आवेश रखा वो धनात्मक है, धन धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, धन धन को प्रतिकर्षित करेगा, तो सर क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर, ठीक है, क्लियर होगी दिशा ना, दिशा जब भी देखनी हो आपको सीधे सीधे +1 रख देना है, और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो मैं शॉर्ट में करने की, मैं चाहता हूं कि इसी पेज में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, ये पी के कारण
प्लस क्यू के कारण, है ना साहब? थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए, पी के कारण, बोले तुरंत ये बिंदु आवेश वाला फॉर्मूले लगेगा, के पी के कारण आवेश का परिमाण, मैं तो प्लस से लिखूंगा, अपॉन आवेश से बिंदु पी की दूरी, आवेश से बिंदु पी की दूरी कितनी है 0.05, इसको यहीं पे लिख देता हूँ 5 × 10⁻²² का स्क्वायर, है ना? पहले मैंने 0.05 भी लिख दिया था, फिर बाद में मैंने उसको 5 × 10⁻²² करके उसका वर्क किया, अब मैं डायरेक्शन देखो साहब, पी के कारण, पी के कारण की डायरेक्शन आर कैप की दिशा में, तो यहाँ लिख दो आर कैप डायरेक्शन होगी। अब आ जाओ क्यू के कारण, क्यू के कारण देखो, तो के आवेश का परिमाण क्यू टू, मेरे को तो प्लस माइनस से मतलब ही नहीं है। अब क्यू से पी की, क्यू से बी की दूरी, क्यू से बी की दूरी, तो ये 0.1 तो ये रहा और 0.5 और जुड़ गया। क्यू से कहा की दूरी लेनी है, क्यू से बी की दूरी लेनी है, आप जिसके कारण उसका तो परिमाण लेते हैं ये रहा, और उससे बिंदु की दूरी का वर्ग, तो इससे ये दोनों के बीच की दूरी 0.1 है और ये दूरी 0.05 है, तो 0.1 और 0.05 तो 0.15 हो गया। 0.15 को मैं ऐसे लिख दूं 15 × 10⁻², एक बार और देख लें, ये 0.1 ये 0.05 दोनों को टोटल करो, इतनी डिस्टेंस है किसकी, क्यू से बी के बीच की दूरी इतनी है, तो ये 0.15 का स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो अपोजिट टू आर केप, इसको थोड़ा व्हाइट पेन से लिख दूं मैं, अपोजिट टू आर केप, तो माइनस आ जाएगा, माइनस आर केप, है ना जब? क्लियर? अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो कॉमन है तो के क्यू वन कॉमन आ गया, तो के को तो मैं लिख देता हूँ 10⁻⁹, 9 × 10⁻², क्यू वन और क्यू टू दोनों का मान सेम है, मेरे को चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, तो 10⁻⁸, ठीक है सर? ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ये 10⁻⁸, ये तो कॉमन आ गया। अब डिस्टेंसेज में देखो आप, है ना, इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो 25 × 10⁻⁴, ये इसका हो गया, आर के बाहर निकाल दे, यहाँ माइनस है, इसमें माइनस आर केप है तो माइनस चिन्ह छोड़ गया, वो आर के बाहर ले, 15 × 225 × 10⁻⁴, है ना? और ये आर के बाप का कॉमन आ गया, यहाँ मैंने व्हाइट से इसलिए लिखाया था क्योंकि उसमें माइनस आर के पे। अब साहब ये तो आपका वही 9 × 10⁻⁹, इधर अपॉन में से उठा लो आप 25 उठा लो और 10⁻⁴ उठा लो, ठीक है साहब? इधर बचा 1 − 25, तो ये बचा आपका 9, यही बचा 10⁻⁴ आ गया आर के, क्लियर? तो सब ये 10⁻⁹ × 10⁵, ये जो बार मान पड़ा हो उसको सेटल कर दिया मैंने, ये कितना हो गया 8/9, 8 नंबर तो 9 से 9 कट गया सीधा सीधा, तो हो गया 80/25 × 10⁴, डायरेक्शन आर के, है ना? डायरेक्शन ध्यान उतर गया था इसलिए लिख दिया। अभी हो गया 3.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, डायरेक्शन अलोंग विद आर केप, अलोंग विद आर केप तो आप कह सकते हो पी से क्यू की ओर, पी से क्यू की ओर, है ना? ये सब सेकंड कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत आप देख लेना, देखो एक स्पीड लेते हैं, एक वो लेना पड़ता है तरीका, तो उसमें कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वैसे तो अब ये ऑन द स्पॉट करते हैं ना, पहले से ऐसा थोड़ी कि पहले से देखा दिखाया होता है, सब ऑन द स्पॉट करते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हो, हालांकि ऐसा कोई नहीं है, फिर भी हो तो आप ध्यान रखिए। अब साहब सबसे विशेष आइए सी पर, इसके लिए मैंने ये विशेष रूप से आपके करवाया। अब मैं पहले टॉपिक डाल दूं अगले पेज पर, मेरे को स्पेस भी मिल जाएगी। अब आ जाइए सी के लिए, अब साहब विशेष है, तो ये सी के लिए मैंने विशेष रूप से करा, उसको दिखाता हूं मैं आपको, है ना? तो अब आ जाइए सी के लिए, डिस्टेंस तो अपने को पता है, इससे पी से भी डिस्टेंस 0.1 है और क्यू से भी डिस्टेंस 0.1 है। डायरेक्शन देखने के लिए आपको क्या सलाह दी गई है कि आप प्लस 1 रखिए, ये पॉजिटिव है,
इसके कारण विद्युत क्षेत्र EQ, इसके कारण विद्युत क्षेत्र EB, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, ये रिपल करेगा। तो ये सब Q के कारण, जबकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये P के कारण। थोड़ा सा इसको इसमें करो। अब आप देखें कि पहले मैं P और Q के कारण विद्युत क्षेत्र दिखाता हूं, फिर आगे बात करते हैं। आवेश का परिमाण दोनों का सेम है, चिन्ह मत देखिए, है 10^-, और इस आवेश से दोनों आवेश से बिंदु C की दूरी भी बराबर है। आवेश का परिमाण सेम है और आवेश से बिंदु की दूरी भी बराबर है, तो इसका मतलब P और Q के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। तो सब अब अपन यहां पर P के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण और Q के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है, लेकिन दिशा भिन्न भिन्न है ना। कितना है सब, के Q1 ले लो या Q2 ले लो, है ना, और आवेश से दूरी दोनों से कितनी है, 0.8। ठीक है, इसको निकाल ले पहले। EP बराबर EQ इज इक्वल टू, इसको KQ ही रहने दो, Q1 हो चाहे Q2, है ना, और 0.1, तो 0.1 का ये 10^-1 हो गया, ये 10^-1 का स्क्वायर 10^-2। अभी इसको ऐसे ही रोक दो, इक्वेशन नंबर 1 देकर, या उधर देख लेते हैं, अपन ने कोई इक्वेशन नंबर उधर दे रखी हो तो उस हिसाब से देख लेते हैं, इसको मैनेज कर लें, मेरे ख्याल उधर इक्वेशन नंबर नहीं दे रखी। ठीक है, अब सब ध्यान से देखिए, इसके कारण निकाल ले, इसके कारण परिणामी निकालना है, परिणामी निकालना है तो P और Q के बीच का कोण पता होना चाहिए या EP और EQ के बीच का कोण पता होना चाहिए। तो सब पहली बात तो इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र समान है, तो परिणामी कहाँ होगा, अर्धक पर, यानी बीचों बीच, अगेंस्ट टू आर केप, अगेंस्ट टू आर केप, यह परिणामी। इसी ये तो अपने को दिशा सहित पहले से पता होगा, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ये और ये संगत कोण है, और ये एकांतर कोण है, तो ईपी और ईक्यू के बीच कोण कितना हो गया, 2θ। तो सब जैसा वहां करके आपको दिखाया था मैंने, वैसा यहां करना है। दोनों का परिणामी तभी निकल पाएगा जब दोनों के बीच का एंगल आपको पता हो। तो सब मैंने ये सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर, हालांकि तो सम त्रिबाहु है, इसमें तो एंगल अपने को पता भी है। अपन एंगल इसमें देखो 0.01, 0.01, 0.01, तो यहां पे थीटा बराबर कितना हुआ, 60° हुआ, अपने को पहले से ही पता है, कोई 60 60 60, है ना। तो अपने को यहां पता पड़ गया कि 2θ कितना होगा, 60 का डबल 120, डायरेक्ट निकल गया अपने पास, है ना। तो अपने को याद बैसने देखो, समत्रिभाव तीनों भावों बराबर है, 0.0, 0.1, 0.1, 0.1, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब तीनों के बीच एंगल भी बराबर होगा, 60 60 60। भाई एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है। तो सर यहाँ पर यह भी अपने को पता पड़ गया, तो एंगल डायरेक्ट अपन 2θ भी क्यों लेंगे, 120। तो ईपी और ईक्यू के बीच कोण 120 है, तो परिणाम ही निकाल दे तो खटाखट, है ना। तो सब एंगल बिटवीन ईपी एंड ईक्यू आर 120°, देन रिजल्टेंट यानी सॉरी परिणामी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब पूरा अंग्रेजी में है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, या इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं सॉरी, या अपन लिख देते हैं परिणामी को ऐसे ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल तो यहाँ अपन बोल नहीं रहे ना, अपन आई सर, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहने दो इसको, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। वो डायपोल को हमने सीन में डाला ही नहीं ना। अब देखो सब, ई इज इक्वल टू ई पी स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर प्लस 2EP EQ और cos 120,
टू थीटा क्यों लिखूं, थीटा थीटा मेरे को पता है इससे। अब क्योंकि ईपी और ईक्यू दोनों बराबर हैं, है ना, इसलिए सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये सी पर ही था ना, सी पर परिणाम डायरेक्शन अभी छोड़ दो, डायरेक्शन एंड में दिखा दूंगा, डायरेक्शन यहाँ दिखाऊंगा तो फिर मेरे को यहाँ से फिर वो बार 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 एंड तक चलेंगे ना, इससे डायरेक्शन को मैंने रोक दिया इसी। तो अब लिखो सब, अब लिखोगे तो 2EP हो गया, ये 2EP स्क्वायर प्लस 2EP इनटू EQ, ये भी 2EP स्क्वायर ही हो गया क्योंकि EP बराबर EQ है, EP बराबर EQ, ये EP EP मान लिया, cos 120 मतलब माइनस एक बटा दो, ये माइनस एक बटा दो कट गया, तो सब EC इज इक्वल टू 2EP स्क्वायर ये माइनस EP, तो ओनली कह रहे गया रूट EP स्क्वायर, रूट EP स्क्वायर बोले तो EP ओनली, है ना। तो सब C पर विद्युत क्षेत्र EP, तो बाय वन एक से पुट कर दो, एक से कितना हुआ K 9 इंटू 10 की पावर 9, Q 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 10 की पावर माइनस 2 आ गया, है ना। तो ये सीधा सीधा हो गया आपके इसी, ये सब पावर 11 होगी, 10 की पावर 11, तो 9 इंटू 10 की पावर 11 में से 8 गया तो 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, और अगर डायरेक्शन दिखाएं तो इसी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन दिखाएं तो डायरेक्शन माइनस आर के। एक बार में और आपको समझा देता हूँ कि सब अपने को ये किस तरह से करना, जैसे अगर आपको याद हो तो उसमें जो अपन डेरिवेशन किया था तो उसमें आया था 2EP cos थीटा या 2EP cos थीटा। अब वहां पर भी आप अज्यूम करके देखो कि वहां पर भी अपन 2EP cos थीटा लिखते हैं तो cos थीटा अगर थीटा बराबर 120 लिखते हैं तो वहां भी माइनस एक बटा दो, तो वहां भी EP बचता, यहाँ भी डायरेक्ट कोई बचा ना। तो परिणामी के लिए EP और Q यानी P के कारण विद्युत क्षेत्र और Q के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल ले जो बराबर है, है ना। ये कोण समति बाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं समान है तो 60 60 60, तो ये थीटा 2 थीटा मतलब 120 हो गया। तो डायरेक्ट मैंने दोनों का परिणामी निकाल दिया, ये सब EP स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर पर 2EP ये cos 2 थीटा, और ये आपके सामने निकल गया। तो सब ये ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपके दीदू के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करवा देता है, दीदू के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करवा देता है, है ना। इससे अपन दोनों कर लेते हैं, ठीक है। अब सब इसी क्रम में अदर न्यूमेरिकल अपन लेते हैं दीदू के, है ना। दीदू के अगले न्यूमेरिकल में अपन लेते हैं दो आवेश, एक को QA कहते हैं, 10 माइक्रो कूलम पॉजिटिव, दूसरा आवेश QB माइनस 10 माइक्रो कूलम। क्लियर सब, दोनों आवेशों का परिमाण समान है लेकिन प्रकृति एक की धनात्मक है एक की ऋणात्मक है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूर है, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻²⁻² मीटर, ये एक दूसरे से साहब 2 सेंटीमीटर इनकी डिस्टेंस बता दिए अपन। अब ये कहता है अक्ष तथा निरक्ष पर 50 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, मीटर में लिखे तो 0.5 मीटर लिख दो या 1/2 मीटर लिख दो। क्लियर सर, तो क्वेश्चन को दीदू के क्वेश्चन ले रहे हैं उसी क्रम में ले रहे हैं, है ना सर। तो दीदू के क्वेश्चन में ज्यादा कठिनता नहीं, जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल है, बता दिए सब कि 10 माइक्रो कूलम वो माइनस 10 माइक्रो कूलम दो आवेश हैं, तो आवेश का परिमाण तो समान ही है चाहे माइनस 10 हो चाहे प्लस 10 हो, 10 माइक्रो माइक्रो यानी 10 की पावर माइनस 6, तो इसका मतलब चार्ज आवेश का परिमाण हो गया 10 की पावर माइनस 5 कूलम। अपने को दीदू में कभी भी आवेश चिन्ह सहित नहीं चाहिए, है ना। अब इसका प्रश्न सीधा सा है कि आप आधा मीटर दूर यानी 0.5 मीटर दूरी पर
अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। डायरेक्ट फॉर्मूला पे आधारित है, अक्ष पर तो अक्ष पर अक्ष का फॉर्मूला है आपका 2kp/r³, यानी 2k, p का मतलब q into 2a upon r³, है ना। वैल्यूज पुट करो साहब, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र e अक्ष 2k की वैल्यू 9×10⁻¹, 2a दोनों आवेशों के बीच दूरी कितनी बता रखी है 2×10⁻², यानी 2 सेंटीमीटर है ना, इनटू क्यू भाई 2k और ये 2a लिख दिया, क्यू लिखना बाकी रहे, क्यू कितना है 10⁻¹, ठीक है ना। तो 10 माइक्रो कूलाम था, अपने को आवेश का परिमाण ही चाहिए। वैसे भी अपन पी में पी की डेफिनेशन भी है ये, किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को अपॉन, कहां पर ज्ञात करना है 1/2 मीटर लिख लें ज्यादा बेटर रहेगा, 1/2 का क्यू। तो सब 2×9=18, 18×2=36, 36 ही हो गया। ये 3×2×2×2 यानी 8 है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये मैंने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो नंबर पूरे ले लिए, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, 2×9=18, 36 ही हो गए, और 1/2 था तो 2×2×2=18 ही हो गया, 2×2=8 है ना। अब पावर पावर देखें तो -7 तो ये हुई और प्लस की 9 ये हुई, तो -7 प्लस 9 तो प्लस की कितनी रही 2। दोबारा ध्यान से देख लें, -2 -7 -2 -5, तो ये -7 हो गया, चार्ज अपन ने रख ही दिया है ना, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस का है 10⁻¹ तो कांस्टेंट का है। अब साहब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 6×48 = 8, 4 बचता है ना, 0 उधर दे देंगे, पर पहले 0 नहीं लिखे, बाद में लिख देंगे ना। तो साहब 6×48 है ना, तो 48 तो ये लिख लें अपन, क्लियर, 4 बचता है, 8×3=24 और 4×28, ठीक है, 10⁻²। आप चाहें तो इसे लिख दें 2.88×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। एक बार और समझ लो बच्चों, इसने कहा कि दो आवेश हैं, एक 10 माइक्रो कूलम पॉजिटिव, 10 माइक्रो कूलम नेगेटिव, अपने को दीदों में आवेश का परिमाण चाहिए, तो 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, सॉरी कर दिया ना, दोनों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, अपन ने दोनों के बीच की दूरी को 2a बोला, 2a बराबर 2 सेंटीमीटर है ना। कितनी दूर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 सेंटीमीटर दूर, 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर है ना। अब अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र है ना, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र 2kp/r³, p का मतलब q×2a, ये रख दिया q और ये रख दिया 2a, बाकी 2k लिख ही रह गया, अपॉन डिस्टेंस 1/2 मीटर, ये रख दी, ये अक्ष पर आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निरक्ष पर भी ज्ञात कर लिए, तो हम जानते हैं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का आधा होता है, यानी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना निकला 2.88×10⁴ अपॉन 2, इसको कैलकुलेट करें तो 1.44×10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो क्वेश्चन जो मांग रहा था कि अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, डिस्टेंस सेम थी तो इस रिलेशन का इस्तेमाल कर लो, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र अक्ष पर विद्युत क्षेत्र के का आधा होता है, तो अक्ष पर अपन ने निकाल लिया। तो ये सब एक न्यूमेरिकल है, ऐसे अपन एनसीईआरटी की बुक देखें तो एनसीईआरटी की बुक का एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा चकमा देने का प्रयास करता है। अब ये कहता है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल QA और QB, इन आवेश का मान बताता है, ये 2.5×10⁻¹ कूलम, इसका मान बताता है 2×10⁻¹ कूलम। दोनों आवेश परिमाण में समान है लेकिन प्रकृति
अपोजिट है, यानी एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक है। अब इनकी स्थिति बताता है, ये क्यूए जहां रखा है वो कहता है 0-0 -15 सेंटीमीटर, निर्देशांक दे दिए। 0-0 -15 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि ये जेड अक्ष पर है, माइनस जेड अक्ष पर। इसी प्रकार क्यूबी की पोजीशन बताता है 0-0 +15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब सब ये जो क्यूबी रखा है ये भी जेड अक्ष पर ही रखा है, पर ये प्लस जेड अक्ष पर मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर, तो ये भी मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर, ये भी मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर, एक सामने एक पीछे की तरफ है। अब इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि कुल आवेश बताओ, और दूसरा क्वेश्चन है कि सब द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताओ। तो सब पहले तो कुल आवेश, पहला क्वेश्चन Q टोटल इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी। अब स्वाभाविक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों का टोटल कितना हुआ, जीरो। तो सब आप भी इस बात को ध्यान रखना, कहीं बीच में एपिसोड में कहने में नहीं आया, लेकिन ये एक सत्य बात है कि विद्युत द्विध्रुव पर या विद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिस पर कुल आवेश सदैव शून्य होता है, लेकिन उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। अक्ष पर निरक्ष पर अपन ने निकाल रखी है ना, तो द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिसके जिस पर कुल आवेश जीरो होता है, लेकिन इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। अब दूसरा अपने को निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण, तो मैं आपको थोड़ा सा दूसरे प्रश्न के लिए चित्र से बात समझाता हूँ, है ना। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये माइनस जेड एक्सिस, क्लियर सर। निर्देशांक 0-0 -15 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कहां से लेनी पड़ती है, मूल से, मूल बिंदु से, ये 15 सेंटीमीटर यहां पर स्थित है क्यू ए। ये सब बिंदु ए बोल दो चाहे बी बोल दो, आपकी इच्छा है ना, वो उसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से। कोऑर्डिनेट बी 0-0 +15, तो मूल बिंदु से दूरी ली जाती है। अब ये प्लस 15 सेंटीमीटर है, ये मान ली यहां पर, ये बिंदु बी, ये बिंदु बी यहां पर रख दिया मैंने क्यू बी, है ना। क्यू बी पॉजिटिव है, सॉरी क्यू बी नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो सब अब आप देखें ये दोनों के बीच की दूरी को अपन क्या बोलेंगे, 2a, है ना। तो 2a कितना निकला, 15 + 15 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर के दो, या आप 30 सेंटीमीटर को 30 का भाग दिया तो 10⁻², के दो आपकी इच्छा है, है ना, कि आप 0.3 भी कह सकते हो उसे, ये 0.3, है ना, क्लियर। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये अक्षीय रेखा होगी, ये दो आघूर्ण की दिशा इधर होगी, माइनस से प्लस की ओर और आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा। इसने पूछा है द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो P बराबर Q इनटू 2A, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेश परिमाण में समान ही है, तो 2.5 × 10⁻¹ Q लिख दिया, दोनों के बीच की दूरी अब कोई से भी लिख दो, ये लिख दो 30 × 10⁻², है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो 7.5 तो ये हो ही गया, क्लियर। माइनस नाइन और ये एक जीरो डालेंगे माइनस नाइन में, तो -8, ये यूनिट देखें तो कूलाम चार्ज और इनटू मीटर। तो सब द्विध्रुव के इस टाइप के सवाल, सिंपल टाइप के सवाल हैं, ज्यादा कोई कठिन सवाल नहीं, और होंगे तो उसे अपन एपिसोड में बाद में कंसीडर कर लेंगे, लेकिन अभी सिंपल तौर पर फॉर्मूला याद कराने के लिए, कुछ विशेष बातें बताने के लिए। अब सर एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, मौखिक जिसके जवाब हो सकते हैं, जैसे मान लो सिमेट्रिकल सिचुएशन हो, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये एक सिचुएशन आपके सामने लाई जा रही है ना, ये
थोड़ा महत्वपूर्ण सा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो फोर साइड इक्वल है। ऐसे अपन ये जैसे समषटभुज है, समषटभुज है तो छह की छह साइड इक्वल है, ठीक है। अब ऐसी कोई टास्क हो है ना जिसमें हर कोने पर रखे चार्ज की नेचर और उसका मैग्नीट्यूड समान हो, जैसे हर चार्ज धन है तो सभी धन है और सभी का मान भी समान है, ऐसे ही यहां ले लेते हैं। ये सिचुएशन हो, है ना, बात को ध्यान से समझना। ये डायरेक्ट वो क्वेश्चन है जिनका जवाब आप सीधे सीधे दे सकते हैं, है ना। मैं विभव के समय भी एक बार याद दिलाऊंगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन है, क्लियर। अब इस सिचुएशन में आपसे पूछ लें कि सब सेंटर पर विद्युत क्षेत्र बताइए, सेंटर पर विद्युत क्षेत्र बताइए। इसमें साहब एक और पुट कर देता हूं, है ना, ये स्क्वायर, ये चित्र में थोड़ी बहुत है, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। यहां पर भी आपसे सेंटर पर विद्युत क्षेत्र पूछ दिया, यहां पर भी आपसे सेंटर पर विद्युत क्षेत्र पूछ लिया, ऐसा समझिए। चारों एक जैसे आंसर है, ये चारों के आंसर सेम है ना, ये सिमेट्री से आ जाएंगे। कैसे आएंगे सर, मैं आपको समझाता हूं, क्लियर। देखो सर, इसको जैसे अपन इस पे आए, या सेंटर पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी, तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो सबसे पहले वहां प्लस वन को रख डालें। उसका रीजन सीधा सीधा सा है कि प्लस वन रखे बिना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं चलता। इन कॉर्नर्स को नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब आप देखें बिकॉज ऑफ ए, बिकॉज ऑफ सी, क्लियर। अब ए और सी यहां भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां भी पहले दे। अब देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सेम नेचर के, ए इसको रिपल करेगा, तो ये सब ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। सी भी पॉजिटिव है, सी भी इस प्लस वन को रिपल करेगा, जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सी के कारण। अब आप देखें तो एक मिनट ही जाने, ये सर एक मिनट यहां भी मिटा देता हूं, ये थोड़ा है ना रेड ले लेते हैं, ये सर ऐसे ले लो, आप पेन उठाना पड़ेगा, ये सी के कारण। अब देखें ए के कारण और सी के कारण, देखो ये दोनों चार्ज सेम, दोनों से सेंटर की डिस्टेंस भी सेम, तो दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान भी समान होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी, जो मैंने लिख दिया। तो ए और सी के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र समान है लेकिन दिशा विपरीत है, चलो सब है ना। अब ऐसा ही अपन यहां भी देखते हैं, है ना, अपन इस चित्र में भी देखें ध्यान से, इसको भी ए बी सी और डी से मेंशन कर दे अपन, है ना। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए प्लस वन रख दे, ये प्लस वन रख दिया। अब देखो ये ए अट्रैक्ट करेगा, ए बी सी, ये सी अट्रैक्ट करेगा, दोनों आवेश का परिमाण समान, दोनों की केंद्र से दूरी भी समान, तो इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान लेकिन विपरीत दिशा में होगी, है ना। यानी इसमें और इसमें देख रहे हो आप कि ई ए प्लस ई सी इज इक्वल टू जीरो, यहां तक तो क्लियर होगी। अभी औरों में भी यही है, पहले अपन दो को एक साथ लेके चल रहे हैं। अब बात करें बी के कारण और डी के कारण, बी और डी पर जो भी आवेश है धनात्मक है सेम है, बी प्लस वन को प्रतिकर्षित करेगा बल इधर होगा,
जिधर बल होता है उधर ही विद्युत क्षेत्र होता है। डी प्लस वन को प्रतिकर्षित करेगा तो डी के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा। क्लियर सर? दोनों आवेश का परिमाण समान, दोनों की केंद्र से दूरी भी समान है, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र समान लेकिन दिशा विपरीत। यानी उसी की तरह यहां भी देखें तो EB प्लस ED बराबर जीरो। यहां भी देख लो, अब ये प्लस है, ये D प्रतिकर्षित करेगा, ये D के कारण विद्युत क्षेत्र जिससे मानता। B पर रखा आवेश भी प्लस है, प्लस प्लस को प्लस वन को प्रतिकर्षित करेगा तो B के कारण विद्युत क्षेत्र। स्वाभाविक है आवेश का परिमाण समान है, आवेश के केंद्र से दूरी भी समान है, तो यहां भी B और D के कारण विद्युत क्षेत्र समान लेकिन विपरीत दिशा में। अब इन दोनों केस में, अभी इन दोनों को छोड़ दिया मैंने, इन दोनों की बात नहीं करी, इन दोनों सवालों में अगर मैं आपसे पूछूं केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो सीधी सी बात है आप परिणामी विद्युत क्षेत्र प्रत्येक के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर। यहां पर आपको मैं फिर अध्यारोपण का सिद्धांत याद दिला देता हूं, है ना जा? बार बार चीज आती रहेगी आप, है ना? विभिन्न बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है, ये विद्युत क्षेत्र में अध्यारोपण का सिद्धांत है ना। अब सर ईए प्लस ईसी बराबर जीरो, ईबी प्लस ईडी बराबर जीरो, इसका मतलब इसमें भी केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, इसमें भी केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। अब इधर आ जाए, यहां भी देखें तो इसके कारण उसके कारण विद्युत क्षेत्र केंद्र पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, इसके कारण और इसके कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, इसके कारण और इसके कारण विद्युत क्षेत्र बराबर लेकिन विपरीत है, तो इसके केंद्र पर भी विद्युत क्षेत्र शून्य है। यहां पर ये विशेष है, ये देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र जैसे तीन रुपए मैंने प्लस वन रख दिया, ये इसको ए के दिया, इसको बी के दिया, इसको सी, तो देखो ए के कारण ये रहा ई ए, बी के कारण ये रहा ई बी, और सी के कारण ये रहा ई सी। इनके बीच एंगल है 120, 120 और 120, है ना? अगर तीन सदिश राशियां एक ही समतल में, तीन समान सदिश राशियां ई ए ई बी ई सी समान है क्योंकि आवेश के परिमाण समान और आवेश की केंद्र से दूरी समान, तो तीनों के कारण विद्युत क्षेत्र केंद्र पे समान है। तो ये कंसेप्ट 11 में आया होगा कभी आपके, नहीं आया तो आप याद कर लो। अगर तीन सदिश राशियां जो परिमाण में समान है एक ही समतल में परस्पर 120 डिग्री कोण पर हो तो उनका परिणामी सदैव शून्य होता है, है ना? तो ई ए ई बी और ई सी ये तीनों परस्पर कितने एंगल पे हैं? 120 120 120, तो इन तीनों का परिणामी शून्य होगा, है ना? तो जहां भी सममित आकृति आती है और आपसे ऐसे जैसे मैंने पूछा विद्युत क्षेत्र पूछ लिया तो आप परिणामी बोल सकते हो शून्य। इसमें एक छोटी सी बात विशेष रूप से ध्यान रखना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये मान लीजिए स्क्वायर ही है, लेकिन सिचुएशन अगर इस टाइप की है, अब सिमेट्री नहीं है, अब चक्कर पड़ गया। अब देखो, अब मैं कैलकुलेशन तो करने नहीं जा रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं कि आपको कितना अवेयर रहना पड़ेगा, या जब भी आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते समय
आपकी अलर्टनेस कितनी ज्यादा होनी चाहिए, मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप इतना ध्यान रखिएगा। अब देखें, जैसे ये ए, ये बी, ये सी, ये टी है ना, तो सब इसको कहते हैं अलर्टनेस, कि हमें हर सवाल को एक जैसे तरीके से नहीं समझना चाहिए। प्लस वन रखोगे, अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, ये सब ए के कारण विद्युत क्षेत्र। इस पर इधर आ जाओ, ये प्लस बी प्लस को रिपल करेगा, ये बी के कारण विद्युत क्षेत्र। ई ए और ई बी मैग्नीट्यूड सेम होगा इनका, मैग्नीट्यूड इसलिए सेम होगा क्योंकि इन दोनों आवेशों के परिमाण समान है और इनसे केंद्र की दूरी भी समान है, तो ई ए और ई बी परिमाण में समान होंगे, है ना? जो आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि ये सवाल कैसे करना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री। वर्ग की प्रत्येक भुजा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ई ए और ई बी परपेंडिकुलर हैं, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का परिणामी मैंने ई डैश से दिखा दिया, कितना होगा सर? जब सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका परिणामी प्रत्येक के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर, जो आप कैलकुलेट करना, ई और ई भी बराबर हैं, तो वहां भी ई स्क्वायर लिख दो, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट टू ई ए। ये तो इन दोनों के कारण काम खत्म, इन दोनों का परिणामी, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी बराबर है तो परिणामी कहा होगा अर्धक पर, अर्धक पर मतलब बीचों बीच, ये ई डैश। क्लियर? अभी आपने इन दोनों की बात की, अभी इधर आ जाओ, ये माइनस से इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये सी के कारण विद्युत क्षेत्र। ये भी माइनस से इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये डी के कारण विद्युत क्षेत्र। ई सी और ई डी ऐसे कैसे बराबर है, दोनों बराबर है ना, क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण समान है, दोनों आवेशों की केंद्र से दूरी भी समान है, तो दोनों के कारण, जैसे ए और बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान थी, ऐसे इनके कारण समान होगी। अब इन दोनों का परिणामी भी आप निकालोगे, ई डबल डैश ऐसे कैसे निकल जाएगा, यानी इसी का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर, यानी रूट टू इसी बोल दो चाहे ईडी बोल दो। क्लियर सर? ये आपने ई डबल डैश निकाल लिया। जब सदिश बराबर हो तो उनका परिणामी अर्धक पर यानी बीचों बीच होता है, तो सब इन दोनों के कारण ई डैश, दोनों का परिमाण समान है ना, दोनों 90 डिग्री पर, तो दोनों का परिणामी आपने निकाल देंगे, ये कैलकुलेट कर सकते हो एग्जैक्टली। इधर ये माइनस माइनस रखे थे, इन दोनों के कारण भी उसी दिशा में, देखो सेम डायरेक्शन है, ये देखो डायरेक्शन सेम है उनके कारण के, बस ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, वो रिपल कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको सेंटर पे देखना है तो सेंटर पे प्लस वन रख ही दिया आपने, आप प्लस वन से देख लो, तो ये माइनस अट्रैक्ट करेगा तो देखो सी की दिशा, ये डी भी अट्रैक्ट करेगा तो डी की दिशा देख लो। अब ये दोनों भी 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट तो वैसे ही निकलेगा जैसे ये और ये भी 90 डिग्री पे थे। अब जब वेक्टर समान है या इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो परिणामी बीचों बीच होगा, यानी अर्धक पर होगा। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, ई डैश प्लस ई डबल डैश। ताज्जुब वाली बात है कि ई डैश और ई डबल डैश दोनों ही बराबर है, तो सर आप अगर कैलकुलेशन करें तो या तो टू ई डैश निकाल लें या आपके दें टू ई डबल डैश, बात एक ही है ना।
अब इनकी वैल्यू यहां से रख दें तो ये देखो सेंटर पर 2 ई डैश की वैल्यू रखो तो आप बोल दो रूट 2 ई ए, और अगर आप इससे निकालो तो आप कह दो 2 रूट 2 ई सी, है ना। तो कहने का मतलब जहां सिमेट्री नहीं है वहां पर आपको अपने तरीके से डिसीजन लेना है, सिमेट्री है वहां आप डायरेक्ट कह सकते हो कि रिजल्टेंट 0। तो ये बच्चों दीदू के कुछ न्यूमेरिकल थे। अगर लगेगा कि कंसेप्ट में अभी कमी है तो इस अगले लेक्चर में और न्यूमेरिकल ऐड कर देंगे, अदरवाइज अगला लेक्चर लेंगे फिर न्यूमेरिकल ऐड कर देंगे। तो बीच बीच में अपन न्यूमेरिकल लाइटर डालते रहेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा मजबूत हो। तो बच्चों आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।